2 रुपए के आप अपनी प्रखर सरकार की पूरी संपत्ति भी लगा दोगे, कितनी सिद्धियां है ये तुम गिन नहीं पाओगे। पढ़ो देखिए कैसा महासंग्राम छिड़ गया है शक्तिपुत्र और पुंडोकर धाम बागेश्वर धाम सरकार के बीच में। शक्तिपुत्र ने तो अनेक साधु संत महापुरुषों को ज्ञानियों को भी घसेड़ दिया है अपनी लिस्ट में। जी हाँ, इन्होंने कैसी कैसी चुनौती दे दी है। अब सुनिएगा पुंडोकर धाम सरकार के मुखारविंद से क्या काम कर नहीं रहा हूँ, जिस दिन कर दूंगा तो पता नहीं लगेगा कहाँ चले गए, इसलिए कानून का देखा। पुंडोकर धाम महाराज जी ने सरकार ने त्रिकालदर्शी ने उन्होंने कहा है आप सरकार के द्वारा आप पुलिस प्रशासन का या वैसे आप करेंगे संग्राम तो सही रहेगा। पुंडोकर धाम और शक्तिपुत्र के बीच में ये कैसा युद्ध छिड़ गया, रोज हो रही है वायरल सोशल मीडिया पर। बागेश्वर धाम सरकार की भी लेके नाम की भी चर्चा चल रही है शक्तिपुत्र की। अब सुनिए बागेश्वर धाम सरकार बड़ा वाला बहादुर है हो तुम, तू चैलेंज देगा, इतना बड़ा बहादुर है तुम। क्या आप हमारे बागेश्वर धाम सरकार को कम समझ रहे हैं? बागेश्वर धाम सरकार एक बेदरबार वो दरबार है जहाँ पर लाखों लोगों की बिगड़ी बन रही है, करोड़ों लोग बागेश्वर धाम सरकार के नतमस्तक हो रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार लाखों के दिलों में समा हुए हैं। अब यहाँ बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए था। अब सुनिएगा महाराज जी की पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है, बाहर मिलते हैं स्टूडियो में। चैलेंज देने का